जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। हाँ, तो आपके लिए नई से नई क्लास मिलती रहेगी, ठीक है, और आपकी समस्याओं का सॉल्विंग होता रहेगा। UPSI, PCS, J और SGS के लेवल से कुछ क्वेश्चन आज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे अधिकार ऐसे होते हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होती है, सारे लोगों को तो होती नहीं है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन चलो पढ़ लिया, जिन लोगों ने लॉ नहीं पढ़ा है उन्हें CRPC, IPC वगैरह की जानकारी नहीं होती है। तो बहुत सारे अधिकार ऐसे होते हैं। आपने देखा है पुलिस बेवजह लोगों को टॉर्चर करती है, कभी कभी ऐसे मामले सामने आए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस गलत है, पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। एक पुलिस वो काम करती है और फोर्स आप ध्यान देंगे जो कोई नहीं कर सकता। चौराहे पर देखेंगे आप, बेचारा ड्यूटी करता है, पुलिस वाला करता है, सेना का जवान बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, सबसे अच्छे काम करते हैं। लेकिन मैं एक अधिकार बता रहा हूँ, इन अधिकारों के माध्यम से आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पुलिस वाला आया, आप डर गए देख के, अरे भैया क्यों डर रहे हो, आपको अधिकार दिया है, आपके पास अधिकार है, ठीक है। वो क्या अधिकार हैं, मैं उन्हीं अधिकारों की चर्चा आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए प्यारे दोस्तों, जैसे मान के चलिए आप कोई व्यक्ति या पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट करने आता है, ठीक है। तो अरेस्टिंग के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से संज्ञेय अपराध होते हैं, कौन कौन से अपराध किस टाइप के होते हैं, वो तो आगे बात होगी अलग वीडियो में, लेकिन इस समय बता रहा हूँ आपके अधिकार क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति आपको अरेस्ट करने आया, पुलिस अधिकारी है वो अरेस्ट करने आया, तो अरेस्ट करने के दौरान सबसे पहली चीज, ऐसा नहीं है वो आपको उठा के एकदम चल देगा, आपको उठाया मारा पीटा और चल दिया, लेकिन नहीं, ये चीज ये नहीं कहती है, ये हमारा कानून नहीं कहता है, ये CRPC नहीं कहती हमारी। तो ध्यान देंगे आप, जैसे कोई व्यक्ति अरेस्ट करने आता है पुलिस वाला, तो CRPC की धारा 50(1) CRPC का सेक्शन 51st, CRPC का सेक्शन 51st ये कहता है, ये आपको पावर देता है कि आपको अपनी गिरफ्तारी जानने का अधिकार है। जैसे मान के चलिए आपको गिरफ्तार करने आया, तो आप उनसे पूछेंगे आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या कारण है भाई मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, क्या मामला है, ठीक है। तो आप किस सेक्शन के अंतर्गत पूछ सकते हैं, ये CRPC की धारा 50(1) के अंतर्गत आप पूछ सकते हैं। CRPC क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। अब आप पूछेंगे साहब, पूछेंगे अच्छा मैंने आपको जब संविधान पढ़ाया था तो Article 22 भी पढ़ाया था, Article 22 शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा था, पढ़ा होगा भाई, पढ़ा होगा आपने। Article 22 क्या कहता है, Article 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। मतलब क्या कहना चाह रहा है आपसे, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण दिए गए Article 22 में। तो Article 22 में जो फर्स्ट कंडीशन वो दी गई है, वो भी ये दी गई है, कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने आएगा तो आपको अधिकार है, आप उससे कारण पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी दिया गया है वो, और यहाँ पर भी दिया गया है CRPC 50(1) में। तो कोई आया गिरफ्तार करने, तो आप क्या पूछेंगे उससे, भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो मुझे, क्या मामला है, ठीक है। तो किस सेक्शन में आइए, CRPC की धारा 50(1) के अंतर्गत। अब ध्यान देंगे, अब आ गया वो, आने के दौरान उसने आपको अरेस्ट कर लिया, बता दिया कि हम आपको इस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है, या आप जुर्म करने वाले हैं, संदेह के आधार पर ही हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। अब वो साहब पूरी कंडीशंस क्या है, अब यहां पर क्या चीज है, एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट होता है, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट मीन्स अरेस्ट मेमो, उसको क्या बोला जाता है बेटा, अरेस्ट मेमो। ये अरेस्ट मेमो क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट मेमो को जो एक्सप्लेन किया गया हमारे CRPC के 41B, अरेस्ट मेमो किसमें एक्सप्लेन, CRPC 41B में। अब CRPC का 41B क्या कहता है, देखिए जो अरेस्ट करने आ रहा है आपके लिए, उसका पदनाम, उसका पदनाम मीन्स उसकी रैंक क्या है,
ठीक। प्लेस कहाँ से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, अलीगढ़, अलीगढ़ में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, उस जगह का नाम, आपका नाम, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का रैंक मैंने आपको बताया, और दो सम्माननीय पर्सन व्यक्ति जिनके सामने आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये अरेस्ट में वो वही बनाना पड़ता है, कह देते हैं भाई आपने कहा जैसे गिरफ्तार करना है, आप कहें सर अरेस्ट में बनाइए मेरा, वो तुरंत समझ जाएगा कि आपको कानून की जानकारी है, वो आपको तोड़ताड़ नहीं करेगा बिल्कुल, ठीक है। आप कहेंगे बताइए आप मेरा अरेस्ट में बनाइए, क्यों नहीं बनाना आप मेरा अरेस्ट में, मुझे अधिकार है, आपको अधिकार है अरेस्ट में बनाने का, आप क्यों नहीं बना रहे, ठीक है। ये सारी चीज है यहाँ पर। तो अरेस्ट में क्या चीज है भाई, प्लेस स्थान बताएगा कहाँ से गिरफ्तार कर रहे हैं, हस्ताक्षर होगा, आपका हस्ताक्षर होगा, ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं है तो अंगूठा है, जानते ही आप, ठीक है। अब मान के चलिए जैसे एक चीज, जैसे कोई व्यक्ति अकेला है, अकेला रहता है, तो उस अकेले व्यक्ति को अरेस्ट करने जब जाती है पुलिस, तो क्या होता है जब व्यक्ति है अकेला, तो उस अकेले व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो पुलिस का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटीज है कि वो उसके रिलेटिव को सूचना देगी। तो सीआरपीसी 50A क्या कहता है हमारा, सीआरपीसी 50A जो सेक्शन है वो क्या कहता है, इसमें क्या एक्सप्लेन है, इसमें ये चीज एक्सप्लेन है, डियर स्टूडेंट आप ये जानने की कोशिश करेंगे, इसमें ये एक्सप्लेन है, जैसे पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया और उसका परिवार वाला नहीं है वहां पर, तो उसके फैमिली या रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब मान के चलो कोई व्यक्ति बिल्कुल ही अकेला है, वही उसके परिवार में कोई है ही नहीं, तो उसके रिलेशन तो होंगे, रिलेटिव तो होंगे, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी होगी। वो कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का, 50A, ठीक है, समझ गया। तो सीआरपीसी 50A में क्या एक्सप्लेन है, अरेस्ट किए गए पर्सन के लिए, ठीक है, सॉरी, अरेस्ट किए गए पर्सन, जो अरेस्ट किया गया पर्सन है, व्यक्ति है, उसके रिलेटिव को सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। ये किसमें है साहब, सीआरपीसी की धारा 50A, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे, आगे क्या स्थिति आ रही है, तो ये तो आपने देखा, ये सारी स्थिति देख ली आपने, अब आगे, आगे की जो स्थिति है वो क्या है, इंटेरोगेशन हुआ, इंटेरोगेशन जानते हैं, सवाल जवाब, पूछताछ होगी, पुलिस आपको लगी साहब, आपसे पुलिस पूछताछ कर रही है, आपने फिल्मों में देखा होगा अक्सर, भाई मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुमको, मुझे वकील दीजिए, ठीक है, मैं विधिक सहायता लूंगा, मैं क्या लूंगा, विधिक सहायता लूंगा, मुझे मेरे वकील से मिलने दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। तो किसमें आइए सवाल जवाब, और वकील सीआरपीसी का सेक्शन 41D का कहता है, इंटेरोगेशन मीन्स पूछताछ तो करेगी पुलिस, लेकिन पुलिस पूछताछ के दौरान आपको मनपसंद वकील करने का अधिकार भी आपको देगी। वो आप कहेंगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तो पुलिस आपको मनपसंद वकील उपलब्ध कराएगी। वो कौन सा सीआरपीसी का सेक्शन कहता है, सीआरपीसी का सेक्शन 41D कहता है, ठीक है। अब तो बहुत सारे अधिकार हो गए आपके सामने, अब तो डरने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं आप सीधे तंत्रनाते हुए चले जाओ कानून को उल्लंघन करते हुए, जहां कानून और संविधान ने आपके अधिकारों को दिया है वहां सीमित भी कर रखा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है दोस्त आप सीधे सीधे उल्लंघन करो आप, ठीक है। अब क्या होगा, मान के चलिए आप, मैंने आपको आर्टिकल 22 बताया था, फिर आ रहा है आर्टिकल 22, फिर आर्टिकल 22 क्या एक्सप्लेन कर रहा है, फिर वही चीज है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केस, मैंने बताया था आपको, पहले तो गिरफ्तारी का कारण 50 बताया था, अब मनपसंद वकील करने का अधिकार वो भी आर्टिकल 22 में दिया गया है, दिया गया नहीं दिया गया है, तो यहाँ मौलिक अधिकार का भी हनन, अगर ऐसी स्थिति पुलिस लाती है तो आपको मनपसंद वकील करने का अधिकार नहीं देती है, और सीआरपीसी का भी हनन, ध्यान देंगे आप, ये क्वेश्चन यूपीएससी भी बन सकता है, सीआरपीसी का भी हनन है और किसका हनन है, आपकी फंडामेंटल राइट का भी हनन है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए आप, क्या पुलिस आपको अरेस्ट करने के दौरान बल प्रयोग कर सकती है, हाँ कर सकती है, तो क्या है इसमें, सीआरपीसी की धारा 46 यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 46 ये पावर देता है कि पुलिस बल प्रयोग कर सकती है, क्या प्रयोग कर सकती है, पुलिस बल प्रयोग कर सकती है पकड़ने के लिए, ठीक है, पुलिस बल प्रयोग कर सकती है किसके लिए, पकड़ने के लिए, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन एक चीज और आ रही है, अब यहीं पर मैं समझा रहा हूं आपको दूसरी चीज,
पुलिस बल प्रयोग नहीं करेगी। अब आप कहोगे यार ये तो तुमने कंफ्यूजन में डाल दिया, पुलिस बल प्रयोग नहीं करेगी। अब आप कहोगे यार तुम तो कंफ्यूजन में डाल ले भाई, अभी तो आप कह रहे थे कि बल प्रयोग करेगी और यहां पर मैं कह रहा हूं कि बल प्रयोग नहीं करेगी, 49 क्या कहता है। तो दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है, ध्यान देंगे आप। 49 कह रहा है जैसे ही पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आ रही है आप हथियार लेके उसके ऊपर सीधे हो गए, तो पुलिस आत्मरक्षा में आपको मार भी सकती है, वो आईपीसी में बात होगी आपसे, यहां नहीं बात होगी, ठीक है। सेल्फ प्रोटेक्शन का जो अधिकार है वो अलग है, लेकिन यहां बता रहा हूं आपको बल प्रयोग का मतलब है जैसे आप भाग रहे हो इधर उधर तो पुलिस आपको दौड़ा रही है, ठीक है, तो पुलिस क्या कर सकती है, आपको पकड़ सकती है, खींच सकती है आपको, कहीं फंसे हुए आप जैसे आप भिलक गए नहीं निकल रहे हो आप, तो पुलिस आपको खींच के भी ले जा सकती है, तो बल प्रयोग कर सकती है। लेकिन 49 ये कहती है बल प्रयोग नहीं करेगी, वो कब नहीं करेगी, जैसे ही पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आई आपने तुरंत सरेंडर कर दिया, ठीक है दरोगा जी आप मुझे पकड़ लीजिए, इंस्पेक्टर साहब आप मुझे पकड़ लीजिए, तो पुलिस बल प्रयोग नहीं करेगी उस समय, वो सीआरपीसी का 49 सेक्शन कहता है। समझ गया, दोनों में डिफरेंस समझ गया होगा अच्छे से। सीआरपीसी 49 क्या कहता है कि पुलिस बल प्रयोग नहीं करेगी यदि, बशर्ते कब नहीं करेगी, जब आपने समर्पण कर दिया है, ठीक, तब पुलिस बल प्रयोग नहीं करेगी, ठीक है साहब। अब क्या होगा, अब पुलिस आपको ले गई साहब, पुलिस ने आपको पीट पाट कर दी, वो कह रही है ज्यादा बोलता था तू, तेरी बुद्धि को ज्यादा ही चल रही थी, तेरी बुद्धि सुधार देते हैं, चल तुझे पट्टे पे लेंगे, तुझे बांध के मारेंगे, तुझे ये करेंगे, तुझे वो करेंगे। अरे साहब पुलिस ने पीट दिया, लेकिन पुलिस को क्या पीटने का राइट है, नहीं नहीं, मैंने आपको बता रखा है संविधान का आर्टिकल 20, अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, हमारे संविधान का आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है, हमारे संविधान का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 20, ये सीआरपीसी नहीं है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हमारा आर्टिकल ये कहता है। अर्थात पुलिस ने जब आपको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद पुलिस आपको नहीं पीटेगी, वो आपसे जबरदस्ती जुल्म कबूल नहीं करवाएगी, वो आपसे ये नहीं कहेगी पीट पीट कर, हाँ तू ये कहे कि मैंने जुर्म किया है तो ये आपका अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 22, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको प्रदान करता है, मतलब मीन्स जुर्म कबूलवाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक। एक तो ये चीज हो गई, हमारा मौलिक अधिकार कहता है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, जैसे ही आपको पुलिस उठाए तो तुरंत आप पुलिस से कहिए साहब मेरा मेडिकल कराइए आप। अब पुलिस जब उठा के ले जा रही है तुरंत आपको मेडिकल कराएगी, तो मेडिकल का क्या है, तो सीआरपीसी सेक्शन 54 सीआरपीसी का, सीआरपीसी की धारा 54 ये कहती है कि पुलिस आपका क्या कराएगी, मेडिकल। अब मेडिकल कराया, मेडिकल में तो आप बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं, उसके बाद पुलिस ने आपको ले जाकर तोड़ दिया, फिर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे नहीं होंगे, तो आप मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट कर सकते नहीं कर सकते हैं पुलिस की, मेडिकल रिपोर्ट को बेस बना के, तो आपका अधिकार हुआ नहीं हुआ, जान गए आप अधिकार नहीं जान गए अपना। तो जैसे ही आपको पकड़े आप कहे ठीक है आप मेरा मेडिकल कराइए, तो कहेंगे यार ऐसे तो कानून की जानकारी है, तो एकदम आपके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, पीटपाट नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत सारे अधिकार हैं ये आपके। तो 54 में क्या कराएगी आपका, मेडिकल। अब मेडिकल कराए जाने के बाद की स्थिति क्या हो रही है यहां पर, फिर सीआरपीसी आपको क्या पावर देती है, फिर मैं आपको बता रहा हूं सीआरपीसी की धारा 57 और सीआरपीसी की धारा 56 में क्या एक्सप्लेन है, ठीक है, ध्यान देंगे आप। ये सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 57 क्या कहती है, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे से
अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा, हिरासत में नहीं रखा जाएगा। ठीक, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा, सीआरपीसी की धारा 57 कहती है। और ये हमारा मौलिक अधिकार भी आर्टिकल 22 में, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब सीआरपीसी की धारा 56 क्या कहती है, इसलिए मैं उल्टा बता रहा हूं उसको। सीआरपीसी की धारा 56 ये कहती है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें इसमें क्या अंतर है, देखो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष यानी सीआरपीसी की धारा 56 क्या कहती है, वो पेश करने के बारे में कहती है, और सीआरपीसी 57 क्या कहती है, डिफरेंस क्या है कि 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती पुलिस। समझ गया क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, पुलिस 24 घंटे से ज्यादा किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रख सकती, ये धारा सीआरपीसी की 57 कहती है, और सीआरपीसी की धारा 56 क्या कहती है, 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों के यहां तक। अब मान के चलिए आप, पुलिस यदि 24 घंटे से ज्यादा किसी अपराधी को रखना चाहती है तो यहां पर एक प्रोसेस है। यदि पुलिस 24 घंटे से ज्यादा किसी अपराधी को रखना चाहती है, सॉरी अभियुक्त को रखना चाहती है, तो उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को अभियुक्त को 24 घंटे से ज्यादा रखना चाहती है तो उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो क्या है, तो सीआरपीसी की धारा 167 क्या कहती है, सीआरपीसी की धारा 167 ये कहती है कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा रखना चाहती है तो उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो तो कौन सी धारा कहती है सीआरपीसी की, 167 के अंतर्गत ये। ठीक है, तो यहां तक का मैंने आपको बताया बेटा। अब मैं आपसे आगे बात कर रहा हूं महिला की गिरफ्तारी से संबंधित मामला। ठीक है, तो 57 अंतर समझ गया आप, 57 में क्या है, 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा, और यदि 24 घंटे के दौरान हिरासत में रखा जाता है और हिरासत में टॉर्चर किया जाता है तो यह संविधान के आर्टिकल 21 का मौलिक अधिकार का भी हनन नहीं है। यहां पर 21 क्या कहता है, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको देता है वो। ठीक है, वो मौलिक अधिकार है। और यहां पर 57 सीआरपीसी समझ गया, 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। और 56 क्या कह रही है, अंतर देखिए आप, एक धारा में अंतर आपके क्वेश्चन को खराब कर देगा। वो क्या कह रहा है, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, ये पेश करने की है। और यदि 24 घंटे से ज्यादा रखना है तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो क्या है, 167 के अनुसार। अब मान के चलिए सारी चीजों का उल्लंघन किया गया, अब ऐसी स्थिति में आप रिट भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। उस रिट का नाम होता हैवियस कार्पस। हैवियस कार्पस मींस कब डाली जाती है हैवियस कार्पस, जब बंदी के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो हैवियस कार्पस में कोर्ट क्या पूछेगा, हैवियस कार्पस में इस बंदी प्रत्यक्षीकरण में कोर्ट ये पूछेगा कि आपने निजरबंदी किया, गिरफ्तार किया किसी को, वो गिरफ्तारी किस तरीके से की गई है, कहीं वो अवैधानिक तो नहीं है, ये स्थिति होती है। ठीक है, तो अब मैं आपसे बात करूं यहीं पर महिला की गिरफ्तारी से संबंधित मामले। ठीक है, तो महिला की गिरफ्तारी से संबंधित मामले, छोटा सा टॉपिक है ये, क्या है ये, महिलाओं या महिला की गिरफ्तारी से संबंधित मामले। महिला की गिरफ्तारी संबंधित क्या मामले, ध्यान दीजिए आप। जैसे मान के चलिए आप, सीआरपीसी की धारा 46 फर्स्ट क्या कहती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 46 फर्स्ट ये कहती है
कि महिला को महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। क्या कहती है वो कि महिला को महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है साहब महिला को पुरुष गिरफ्तार कर सकता है। एक और स्पेशल कंडीशंस है, वो ये है महिला को महिला ही गिरफ्तार करेगी। इस सेक्शन में कहा गया है, एक और सेक्शन है, वो सेक्शन ये है सीआरपीसी की 46 का सबसेक्शन 4। सीआरपीसी 46 का सबसेक्शन 4 क्या कहता है, यानी सीआरपीसी की धारा 44 की उपधारा 4। हिंदी में कैसे बोलते हैं, सीआरपीसी की धारा 46 की उपधारा 4। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सीआरपीसी सेक्शन 46 का सबसेक्शन 4। ये क्या कहता है, किसी भी महिला को, ध्यान देंगे आप, किसी महिला को सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। समझ गया क्या कह रही है सीआरपीसी की धारा 46-4। किसी महिला को सूर्यास्त के बाद, यानी सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने के पहले, ठीक है, एक टाइम पीरियड में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये आपके महिलाओं से संबंधित गिरफ्तारी के प्रावधान है। ठीक है, अब आगे की बात आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।